राम राम, नमस्ते, वेलकम टू आवर डिजिटल क्लास ऑफ कसम। आमे अष्टम श्रेणी विज्ञान पुस्तक तृतीय अध्याय सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक विषय आलोचना करते बर्तमान आज यही एपिसोड में आम से अध्यायर एक उपप्रसंग रही नाम है कौन पॉलिएस्टर। तो आज आम पॉलिएस्टर विषय आलोचना करवा। तुम जान पे पॉलिएस्टर मान कौन ना ईस्टर एक को नहीं गठित पॉलीमर को पॉलीईस्टर बा पॉलिएस्टर कहा जाए। तेणु विभिन्न प्रकार पॉलिएस्टर यौगिक विज्ञानगार ही प्रस्तुत करा जाउछि। तो यह सामर कौन कौन लाभ हुए देख ना यह साहय विभिन्न प्रकार फल और फूलर बास्ना ईस्टर नामक रासायनिक यौगिक हेतु होता है। अतर बा अगरबत्ती यही ईस्टर जो ही बास्ना आम पाँच छड़ा टेरिलिन एक निर्दिष्ट पॉलीमर यौगिक अटे। तो टेरिलिन अन्य एक नाम रही जहाँ आम कौन डेक्रन। तो यह मध्य एक कृत्रिम तंतु व कृत्रिम पॉलीमर एथुर मुख्यतः सूता प्रस्तुत करा जाए एवं से ही सूतारू टेरिलिन बा डेक्रन वस्त्र बुणा जाए। तो समग्र पृथ्वी में देखियो पिले टेरिलिन वस्त्र चाहिदा सब प्रकार रही अन्य वस्त्र ठार ये टी अधिक देख ये कौन कौन नहीं टेरिलिन और कटन मिसी तैयारी है कौन टेरिकटन। तो टेरिलिन सूता और कपा सूता मिसा जाए यही टेरिकट कपड़ा प्रस्तुत करा जाए। टेरिलिन सूता और उल मिसा जाए उल प्रस्तुत करा जाए। ठीक अच्छे बेले बेले देखि पेट पॉलिएस्टर ना शुणु आम। तो पेट पॉलिएस्टर ये मध्य अन्य एक पॉलिएस्टर उदाहरण जहाँ साहय आम बोतल जार केते प्रकार बासन कुसन आउ जो फोटो उठाइबा फिल्म ऑडियो कैसेट टैप आउ जो डंगा आम चलांती ह्रदर हो बा समुद्र हो जो पाल बंध जाए ना से पाल बंध डंगार पाल मध्य तैयारी करा जाउछि। यार एक विशेषत्व और उपयोगिता रही देखा ए फोकस करवा टेरिलिन वस्त्र विशेषत्व और उपयोगिता। टेरिलिन कपड़ा मजबूत और बहुकाल स्थायी पिंपी बीजाणु और असरपा आदि द्वारा क्षय हुए ना प्रस्तुति बेले रंग मिसाई यह विभिन्न बर्णर करे साबुन बा डिटर्जेंट रे यह शीघ्र सफा होता है। धोले बा घसिले यह क्षय हुए नहीं एहा जल अवशोषण शक्ति कम हेतु ओदाले मध्य शीघ्र बा जल्दी सुखी जाए। यह आदौ लोचाकोच हुए नहीं पोशाकर प्रथम स्त्री भांग बहुत दिन पर्यंत रहे एहाकु बारंबार स्त्री करिबाकु पड़े नहीं एहाकु वाश एंड वेयर अर्थात धुओ ओ पिंध कपड़ा मध्य कहा जाए। तापरे आउ एक प्रसंग होला एक्रिलिक कौन एक्रिलिक। तो एक्रिलिक तंतु तथा सूता देखा उल बा पश्म तंतु भली तेणु यह कृत्रिम उल मध्य कहा जाए। एक्रिलिक एक मनुष्यकृत पॉलीमर एथुरु मुख्यतः सूता ही प्रस्तुत करा जाए। वर्तमान बाजार में उपलब्ध अधिकांश शीत वस्त्र यही एक्रिलिक रु ही प्रस्तुत होई। प्राकृतिक उल रे बुणा कंबल ओ पोशाक तुलन रे एक्रिलिक तंतु रे बुणा होइथिबा कंबल ओ पोशाकर दाम अपेक्षाकृत कम होई थाए। तापर आउ गोटे प्रसंग आसला पॉलीमर बा कृत्रिम बा संश्लेषित तंतु गुड़िकर कौन कौन सुविधा रही आउ असुविधा रही आमे सुनिबा। तो पॉलीमर बा कृत्रिम तंतु बा सिंथेटिक फाइबर कौन फैसिलिटी अच्छे सुविधा कौन रही आम देख ये प्राकृतिक कंचामाल उपर निर्भर करे ना बहु परिमाण रे प्रस्तुत हुए तेणु शस्तार मिले। पॉलीमर तंतु तैयारी वस्त्र मजबूत दीर्घस्थायी धोवा सहज और शीघ्र सुखार साय शीघ्र सुखे
लोचाकुचा न होवारु बिना स्त्री भी पिंधु हुए यह देखा चकचक और विभिन्न रंग में उपलब्ध होता है। फिम्पी बैक्टेरिया असरपा और अम्ल आदि बा क्षार द्वारा कौन सी क्षतिप्राप्त हुए ना। शस्ता हेतु सब श्रेणी लोक मैंने किणवाई समर्थ होता। ये कौन आम सुविधा यहाँ आम असुविधा कौन हुए देखा असुविधा कौन कौन असुविधा देख पॉइंट एक प्राकृतिक तंतु जथा कपा रेशम पशम एगुड़िकर प्रस्तुति खर्च अधिक और उत्पादन परिमाण कम हेतु एगुड़ दाम अधिका होता है। द्वितीय बिंदु खरा दिने पॉलीमर वस्त्र पिंधिले झाल अवशोषण हो न पारिबारु अस्वस्तिकर लगे। पॉलीमर वस्त्र पिंधि रोसई घरे रोसई कार्य और विज्ञानगार कार्य कले विपदजनक कारण यही पोशाक तत्क्षणात निया लागिवार संभावना थाए। अन्य बिंदु एपरी वस्त्र निया लागिले एगुड़िक तरली जाई चर्म और मांस सह लाखिजिबारु चिकित्सा मध्य असुविधाजनक होइथाय ओ पोड़ागा सुखिबारे बहुत समय लगे। तेणु यह सब असुविधा रही।